राकेश मिश्रा और खेसारी लाल पिछले 15 साल से एक बहुत अच्छे फ्रेंड है। एक दोस्ती आपको पता है जिस दोस्ती में कभी प्यार भी टकरार। राकेश जी, जो भोजपुरी के एक और स्टार की बात करूंगा मैं, दबंग स्टार जिनको कहा जाता है, खेसारी लाल यादव जी, उन्होंने सुनने में आया कि आपको बधाई दी हुई है गाने की, ऐसा देखिए। अब मैं एक बात बता रहा हूँ जी, खेसारी लाल के साथ जो मेरा संबंध है जी जी, मैं बहुत ओपन बोलता हूँ। जरूर जरूर। एक दोस्ती आपको पता है जिस दोस्ती में कभी प्यार भी टकरार भी मस्त मौला भी, कभी नहीं बोलना भी, कभी रूठ जाना भी, कभी मनाना भी जी। राकेश मिश्रा और खेसारी लाल पिछले 15 साल से एक बहुत अच्छे फ्रेंड है और मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मुझे सम्मान कर देते हैं। बात क्लियर है कि हम दोनों लोग एक दूसरे को प्यार देते हैं जी। वो जब भी जहाँ मिलते हैं वहाँ प्यार से ही, और बाबा कैसे हैं, क्या हालचाल, सब कुछ ठीक है जी। तो और ये आज नहीं, आप उनको आज दबंग स्टार जानते हैं, हम भी आज उनको जानते हैं कि बहुत बड़े, बट हम उस टाइम के फ्रेंड हैं जब हम शायद एक ट्रेन में बैठ के हम कहीं शो करने जाते हैं जी जी जी। तो इसलिए मेरा उनके प्रति इमोशन रहता है और मैं रियली उनको, उनके मेहनत को शायद उतना मेहनत हम लोगों से नहीं हो पाता है, बहुत मैं उनको बहुत मेहनत करते हैं और उनके मेहनत को मैं सलाम करता हूँ कि खेसारी लाल जी, आप जो मेहनत करके पाए हो उसको आप डिजर्व करते हो। और कोई भोजपुरी के कोई कलाकार का कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आया कि नहीं? कहाँ ये सब बतिया लगा, ये सबसे दूर रह इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पता है क्या करते हैं, इंडस्ट्री जी, इंडस्ट्री में दो चीज़ों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, सच्चाई और सिस्टम। अगर दो चीज़ आपके अंदर है तो आप उस इंडस्ट्री के लायक नहीं है। अगर आपके अंदर खूब महा मिठास, महा चापलूसी, महा भैया भैया, महा चच्चा चच्चा, महा गुड़म धरंतम, तो आप सबसे आगे निकलंतम, ज़्यादा टेंशन नहीं करेंगे। यहाँ उसी का पोस्ट होता है जिसके पोस्ट करने से कल फिल्म मिलेगा, जिसके पोस्ट करने से दुगो काम मिलेगा, जिसके पोस्ट करने से वाहवाही मिलेगी, अरे रघुआ हमारे पोस्ट को निहारे, बहुत सुंदर, अब तारे का अगला में पक्का रखो। मतलब चढ़ाया बढ़ाया जाता है भाई, यहाँ अपने सिस्टम से बाहर है ये सब। अच्छा तो राकेश जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो हमारा भोजपुरी है काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुँच चुका है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मतलब भोजपुरी में अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, अश्लीलता ज़्यादा है, भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अश्लीलता है या नहीं? अब देखो एक और जवाब एक के बा जी, बाजार में गई लो, हाँ हाँ, बैगन रखल बा ठेला पर, पालक रखल बा, आलू रखल बा जी, अब तहारा भाग में सरल मिलल, बढ़िया मिलल, तो तहार भागे में जानी। बहुत अच्छा। तो ग्लैमर इंडस्ट्री में सारी चीज़ें रखी गई है, गजल रखा गया है, भक्ति गीत रखा गया है, शक्ति गीत रखा गया है, लहचह रखा गया है, थोड़ा सिस्टमेटिक गीत रखा गया, आपको क्या सुनना है, आप फ्री हैं, आप YouTube पे तुरंत निकालिए सबसे सुंदर भजन भोजपुरी में, हाँ। निकल जाएगा, और आप तुरंत लिखिए कि हॉट भोजपुरी गाना, वो निकल जाए, वो निकल जाएगा। तहारा कहाँ सुने के भाई, तहारा पर डिपेंड जी, ये तो मार्केट है, मार्केट में हर चीज़ रहता है। तो आपके बारे में मैंने पता किया, जाना सबको जानता है, आप काफ़ी उम्दा कलाकार है और एक हट के काम आप करते हैं।